जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा वालेकुम अस्सलाम अहमद, कैसे हो बेटा? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए? अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। अहमद आप मुझे अपने बारे में थोड़ा सा बताओ, आप क्या करते हो, क्या प्रॉब्लम है आपको? मैं स्कूल पढ़ता हूँ, मैं तो स्कूल में सिक्स क्लास में पढ़ता हूँ। अच्छा मैं नौकरी चाहिए, मैं बहुत कुछ नहीं कर सकता, काम नहीं कर सकता, मुझे सिर्फ नौकरी चाहिए, मुझे नौकरी चाहिए। अच्छा मुझे ये बताओ आपके घर में कौन कौन है बच्चे? मेरे तीन बहने हैं, एक भाई हूँ मैं। और कमाने वाला कौन कौन है? पापा है। क्या करते हैं वो? मुलाजम है। अच्छा गवर्नमेंट में मुलाजिम है? हाँ जी। बाहर गलियों में इधर बैठा रहता हूँ, बोर रहता रहता हूँ, सारा दिन करता रहता हूँ, मैं क्या क्या करूँ, मैं किधर किधर जाऊँ, मैं सात दिन रो रो के इंतजार करता हूँ। नहीं लेकिन अभी आप पढ़े हो ना बेटा? 20 साल मेरी उम्र हो चली है, मैं क्या क्या करूँ, मैं किधर किधर जाऊँ, मेरा कोई मैं भाई भी नहीं है, मैं किधर भाई होता, मैं सारा होता, मैं भाई भी नहीं है मेरा। अच्छा आपने रोना नहीं है। तो आपको मुझे ये बताओ कि आपका इलाज कहीं चल रहा है? इलाज चल रहा है मेरा। व्हीलचेयर आपको व्हीलचेयर मिल गई है बेटा? जी शुक्रिया बहुत। नहीं शुक्रिया नहीं, पहले आप क्या करते थे? पहले स्टैंड पे चलता था मैं, स्टैंड पे। अच्छा गिर जाता था मैं। अच्छा मुझे ये बताओ आपको और कोई चीज चाहिए नौकरी का? मैं अभी इंशाल्लाह कुछ देखती हूँ, बंदोबस्त करती हूँ। मुझे ये बताओ आपने क्या पढ़ा हुआ है? मैं सिक्स क्लास में पढ़ता हूँ। अच्छा अच्छा ये बताओ जो आपकी बहनें हैं वो भी पढ़ रही हैं? वो पढ़ रही हैं। अच्छा तो एक भाई हूँ मैं। अच्छा आपने फिक्र नहीं करनी, आपने रोना नहीं है, मैं इंशाल्लाह कोई ना कोई आपका अभी हम बंदोबस्त करके जो आपको चाहिए वो हम इंशाल्लाह आपको देंगे, आपने परेशान नहीं होना, फिक्र नहीं करनी, ठीक है? बिल्कुल नहीं रोना। आपका शुक्रिया। और अगर आपको कभी भी किसी चीज की जरूरत पड़े, ये जो डेप्यूटी स्पीकर है ये जहीर इकबाल चन्नर साहब, मैं उनको कहूंगी आपको अपना नंबर दे दें, आप राब्ता रखना। बहुत मेहरबानी बेटा, जीते रहो, खुश रहो और परेशान नहीं होना, ठीक है? आपकी परेशानी मेरी परेशानी, अब आपने परेशान नहीं होना, ठीक है? जीते रहो, खुश रहो, कि अल्लाह हाफिज। थैंक यू मैडम, थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू जहीर, थैंक यू।